बज रहे हैं सुबह के 3:30। केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। हम लोग गौरीकुंड जा रहे थे लेकिन पुलिस वालों ने मना कर दिया। फाइनली जिस चीज का वेट हम नहीं कर रहे थे वो हो गई है। भाग भाग मोटे गिनना मत आराम से गिन। यहाँ पे ठंडा बढ़ने लगा है। गाइस अब हम यहाँ से पैदल यात्रा करेंगे। रहे हैं 9:03 और बारिश हो गई है बहुत ज्यादा। रामपुर पहुँचे हैं। रामपुर जी। अब यहाँ से वो कितना दूर है? सोनप्रयाग 5 किलोमीटर। बहुत ट्रैफिक है यार, बहुत ट्रैफिक है। मतलब 5 किलोमीटर पहले पहले से गाड़ियां लगी हुई हैं, इतना ट्रैफिक है। बट होपफुली हमें इतना नहीं मिला आज के दिन। सो गाइस यहाँ पे ना बहुत लंबा जाम लगा था और हम दोनों गाड़ी से उठे और जाम खुल गया। बोलते कलेश थे हम, जाम खुल गया यार हमारे उठते ही। भाग भाग मोटे गिनना मत आराम से, गिनना मत फिसलन होगी। अरे अभी फिर से जाम लग जाएगा बेटा, टेंशन भी ले रही है। सो गाइस हम सीतापुर पहुंच गए हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ है। सीतापुर से हल्का सा आगे ही आ गए हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ है। तो हम लोगों ने सोचा बाहर उतरे और जैसे हम लोग बाहर उतरे वैसे ही यहाँ पे जाम खुल गया। तो अभी हम लोग चल रहे हैं। मैंने कहा यार थोड़ा सा चलते बॉडी खुल जाएगी। अरे चल ले आराम से, रुक जा, क्या करेगा बैठ के, ये देखो फिसलना मत। पिछली बार हम लोग आए थे तो हम लोग यहाँ तक ही गए थे और उसके बाद यहाँ से हम लोगों को आगे नहीं जाने दिया था। आज देखते क्या होता है। भैया तो कह रहे थे कि कुछ जुगाड़ करेंगे। दिल्ली वालों का काम क्या है गाइस, यहाँ पे कलेश हो गया, लड़ाई हो गई है। केदारनाथ में इतनी बड़ी लड़ाई हो गई जाते समय, क्या हो रहा है यहाँ पे? चिल्ला कैसे रहा हो, नाम बताना। क्या पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता है, मुझसे मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में। चले जाएंगे ऊपर से उसकी। तो दोस्तों अभी नीचे फाइट हुई, आपने देखा, पता नहीं क्या कलेश हुआ। वो पुलिस वाले ने पता नहीं लड़की को कुछ बोल दिया, उसने फोन निकाल दिया और वही लड़का भी उस चक्कर में आड़ में आ गया, तेज बोलने लग गया, नाम बताइए पता करने लग गया। हमने तो भाई क्या ही कहें उनके, तो फिर पुलिस वाले ने उनको भेज दिया क्योंकि खाली कलेश होता है ये सब। अब हम लोग ना सोनप्रयाग की रोड में आ गए। पिछली बार अगर मेरे ब्लॉग्स आपने देखे होंगे तो हम लोग इस रोड में पैदल गए थे। यहाँ से हमने पैदल गए क्योंकि बस ने हमें पीछे छोड़ा था। यहाँ से हम पैदल गए थे, पैदल जाके फिर हमने वहाँ से टैक्सी पकड़ी थी। लेकिन इस बार भैया हमको ऊपर तक ले जा रहे हैं जहाँ तक हो पाएगा। अब वहाँ तक जाते हैं फिर आगे से टैक्सी पकड़ेंगे। थक गए हैं सब लोग, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं और यहाँ पर ठंडा बढ़ने लगा है। तो वह अभी थोड़ी देर में ठंडे हुए कपड़े भी निकालते हैं और फिर निकलते हैं। तो दोस्तों ये नीचे पार्किंग है सोनप्रयाग की। तो यहाँ से आगे गाड़ियाँ तभी जाती हैं जब उनको त्रियुंगी नारायण मंदिर जाना होता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कहाँ तक, यहाँ तक जाएंगे, आगे तक जा पाएंगे। भैया कह रहे देखता हूँ आगे तक छोड़ पाया तो छोड़ दूंगा। सो फ्रेंड्स हम सोनप्रयाग की पार्किंग से भी आगे आ गए हैं। यहाँ बहुत कम ही गाड़ियाँ आपको दिखेंगी आती हुई, वरना लोग पैदल ही जाते हुए दिखेंगे। और वो ऊपर पार्किंग है, ऊपर भी है नीचे भी है पार्किंग है। तो अभी हम देखते हैं कितना आगे तक हम लोग जा रहे हैं, फिर वहाँ से हम लोग पैदल हो जाएंगे। सो गाइस अब हम यहाँ से पैदल यात्रा करेंगे। चलो 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 चलो। तो गाइस अब हम यहाँ से पैदल यात्रा करेंगे और हमको जल्दी से गाड़ी टैक्सी पकड़नी पड़ेगी, जो मैक्स और ब्लेरो चलती है पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बारिश का मौसम हो गया। बारिश बहुत तेज़ आने वाली है मुझे लग रहा है। तो ये देखो भीड़ कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। चलते हैं आगे को सीधे को वहाँ से, क्योंकि ये आपके टैक्सी स्टैंड नीचे पड़ता है, ऊपर भी टैक्सी स्टैंड है। और आगे को सीधे को अब हम मैक्स पकड़ने जाएंगे, टैक्सी पकड़ने जाएंगे यहाँ से, हमको सीधे गौरीकुंड छोड़ेगी। सो फ्रेंड्स मेरे आगे अभी है सोनप्रयाग की मार्केट। ये पूरी सोनप्रयाग की मार्केट है और यहाँ पे होटल्स भी आपको रहने के लिए मिल जाएंगे। पिछली बार हमने यहाँ पे खाना भी खाया था जब हम वापस नीचे आए थे, अच्छा था यहाँ पे। तो जब अब वापस आएंगे अगर भूख लगेगी तो यहीं पे खा लेंगे उस समय। फिलहाल अभी यहाँ से जाएंगे हम लोग टैक्सी पकड़ने और मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है ऊपर की साइड, पर दिक्कत यह बारिश बहुत तेज़ आ गई है। और हमने रेनकोट ले तो लिए थे, एक 50-50 वाला, एक 30-30 वाला, तो बिल्कुल पन्नी है। तो अभी देखते हैं उसको पहनते
और फिर आज को निकलते हैं। सो गाइस फाइनली जिस चीज का वेट हम नहीं कर रहे थे वो हो गई है, बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज हो गई है। अभी रेनकोट आगे से ओढ़ते हैं और टैक्सी मिल जाती है तो बहुत बढ़िया। अभी इसलिए निकल रहे हैं, अगर इससे ज्यादा लोग नहीं होंगे तो टैक्सी मिल भी जाएगी और हम आगे पहुंच भी जाएंगे। मौसम बहुत खराब होता जा रहा है। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने ये रूम ले लिया है तो यहीं पर रुकेंगे हम। हम लोग गौरीकुंड जा रहे थे लेकिन पुलिस वाले ने मना कर दिया, अगर बुकिंग नहीं है तो आप नहीं जा पाओगे, इसलिए अगर आपके बुकिंग नहीं है तो इस चीज़ का ख्याल रखना, बुकिंग करा के आना वरना सोनप्रयाग ही रुकना। तो यहाँ हमको ये रूम मिला है 3,000 रुपये का, 3 बेडें से 3,000 रुपये का रूम मिला है। अगर 4 बेड वाला लेते तो 4,000 का था, तो हमने कहा ये बड़ा ही है तो इसमें हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। अभिषेक और मैं यहाँ पे आ जाएंगे, बाकी ये दो लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो सीन सब सॉर्टेड हो गया है, अब बस हम लोगों को रात के डिनर का देखना, सुबह टाइम से उठ के देखना है, नहीं मंगाना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली ये डिनर आ गया हमारा, देखो थाली मंगाई है, मोटा और मैं साथ में खाएंगे। हमोटे नहीं मत करो हमोटे सुबह से तो व्लॉग में आ रहा था दिन भर। अभी बज रहे हैं 9:03 और बारिश हो गई है बहुत ज्यादा रात को, तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो गाइस फाइनली हम लोग सोनप्रयाग में रुक गए और अब सोने जा रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। अभी हो गया 9:26 तो हमें सुबह 2 बजे उठना है और 3 बजे तक किसी भी हालत में यहाँ से ट्रैक स्टार्ट करके गौरीकुंड जाना है बोलेरो में, और उसके बाद वहाँ से फिर हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो यहाँ तक देखती है तो एक लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, नीचे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। आई लव यू ऑल, लव यू फ्रेंड्स।